देखिए, जैसे कि हमारा यहाँ नहर लगन जो मॉडल प्लेज में एक हायर सेकेंडरी स्कूल है, लेकिन क्या हो रहा है, बचपन में मैंने जैसे ही जिस स्कूल को देखा था वही स्कूल अभी तक वही वैसे ही है। क्यों है, किस लिए है, क्या हमारा लीडर का आंख नहीं है? कैपिटल का स्कूल, कैपिटल का जो हायर सेकेंडरी स्कूल वेल प्लान के साथ में बनाना चाहिए, एक मॉडल क्लास का, मॉडल क्लास का स्कूल होना चाहिए। मल्टीपर्पज बिल्डिंग बनाने का बात में बाहर से आने वाला आदमी बोल सकता है कि ये इटानगर कैपिटल में इतना बहुत बड़ा, बहुत अच्छा, एक बहुत सुंदर वाला एक तो हायर सेकेंडरी स्कूल है, ऐसा बोल सकता है। अगर आप लोग मुझे विधायक बनाएगा, आप लोग मुझे जिताता है, ये सब काम मैं 2 साल में खत्म करके दिखाऊंगा आपको। गवर्नमेंट स्कूल में सबसे जो लोअर क्लास का जो स्टूडेंट लोग पढ़ाई करता है, जो अमीर, जो करोड़पति, उसका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करता है, प्राइवेट स्कूल में। बट हमारा जो गरीब जो बच्चा लोग है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करता है। आज तक गवर्नमेंट स्कूल में बस क्यों नहीं दिया गया, बस क्यों नहीं दिया गया, स्कूल बस, स्कूल बस देना चाहिए। आते ही 6 महीना के अंदर में स्कूल बस आप लोग को दिलाऊंगा, जितना भी स्कूल है। ये बहुत मामूली बात है, ये कोई बड़ा बात नहीं है। हमारे लीडर लोग एजुकेशन के बारे में सोचता नहीं है। टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया, आजकल डिजिटलाइज का जमाना आ गया। बचपन में कभी कभी स्कूल जाते वक्त में स्कूल नहीं पहुंच के आधा रास्ता पे सो जाता था। शाम को माँ पिताजी को आके पेरेंट को झूठ बोलता था कि मैं स्कूल जाके आया, लेकिन मैं स्कूल नहीं जाता था। क्यों? इसीलिए पढ़ाई लिखाई आदमी का थोड़ा कमजोरी होता है। जब आप स्कूल रेगुलर जाएगा तब जाके आपका पढ़ाई ठीक होगा। तो इसीलिए एक तो डिजिटलाइज एक तो सॉफ्टवेयर में खोल रहा हूं। वो सॉफ्टवेयर कैसे होगा, आपका पेरेंट आपको घर बैठे बैठे पता चल जाएगा कि मेरा जो बच्चा लोग स्कूल प्रेजेंट कर रहा है ना नहीं कर रहा है, जान जाएगा। बैठे माँ पिताजी आपको ट्रेस करेंगे कि मेरा बेटा बेटी स्कूल सही तरीका से जा रहा है कि नहीं। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी हमारा स्टूडेंट लोग जब स्कूल जाता है तो वहां सब्जेक्ट टीचर रहता नहीं, तो कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट लोग बोरिंग हो जाता है। वो सब्जेक्ट टीचर जो एब्सेंट होता है उसका लिए भी ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, उसको भी अटेंड करना पड़ेगा। जब नहीं आएगा स्कूल पे, अटेंड नहीं करेगा, तो घर में बैठे बैठे जान जाएगा कि वो टीचर जो स्कूल में एब्सेंट हो रहा है। और टीचर जो अच्छा से अगर आपको नहीं पढ़ा रहा है, लेक्चरर अच्छा से नहीं पढ़ा रहा है, तो आप बैठे बैठे यहां से फीडबैक दे सकता है, टीचर जी आपका जो लेक्चर को और थोड़ा सुधरने से ठीक है, ऐसा होगा। तो इसीलिए 6 महीना के बाद में ये सॉफ्टवेयर लॉन्च होगा। लॉन्च होते ही जितने भी हायर सेकेंडरी स्कूल है गवर्नमेंट और जितने भी गवर्नमेंट जो कॉलेज है, मेरा तरफ से फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ये सॉफ्टवेयर। एक तो इरेगुलर जो स्टूडेंट है उसका लिए रेगुलर जाने, जब आप स्कूल रेगुलर जाएगा तब आपका पढ़ाई लिखाई ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, है कि नहीं? अब रहा यूथ, बदलाएंगे अमन के लिए, चैन के लिए, शांति के लिए, मानवता के लिए, समानता के लिए, अधिकारी के लिए, सुरक्षा के लिए, धर्म के लिए, विचार के लिए, विकास के लिए, पढ़ाई के लिए, विज्ञान के लिए, आधुनिक के लिए, नया सोच से, नए दौर के, नई खून से, नया ताकत से बदलाएंगे। बहुत हमारी, बहुत हमारी, तबा तमसी, तबा तमसी।